और ये दोनों साइड से पेड़ और बीच में ये रोड, जबरदस्त। मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है day 4 हमारा मुंबई लद्दाख राइड का और अभी हम लोग हैं सांबा में। जैसे कि पहले वाले व्लॉग में तो आपको पता ही चला रहेगा कि कल हमने स्टे लिया था सांबा में। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सोनमार्ग के लिए। तो सोनमार्ग का डिस्टेंस है यहाँ से अप्रोक्स 350 किलोमीटर। तो एज़ पर गूगल मैप्स हमें 8 से 9 घंटा लगने वाला है, शायद ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि ये हमारी पहली पहाड़ वाली राइड है। तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, आराम आराम से चलेंगे। और मौसम देखिए यार, कितना सुहाना मौसम हो चुका है और हल्की हल्की इधर बारिश भी हो रही है। और ठंडी के बारे में क्या बोलूँ, रात को तो इतना गर्म हो रहा था कि हम मस्त से फ़ैन वैन चालू करके सो गए, लेकिन सुबह सब बंद करना पड़ा क्योंकि इतना इधर ठंडा मौसम हो चुका है और बारिश भी चालू हो गई है। तो अभी बस यहाँ से करते हैं ब्रेकफास्ट, अपना सामान करते हैं लोड और चलते हैं पहाड़ों की ओर। तो ये देखो, यहाँ पे हमारा लगेज सेटअप हो गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सोनमार्ग के लिए और रात को रुके थे हमें होटल ओम इंटरनेशनल में। ठीक है, 800 रुपये में हमको 4 जन के लिए रूम मिला था। तो हमारे रूम का कंडीशन तो इतना ख़ास नहीं था, लेकिन ठीक है, रात गुजारने के लिए काम चलाऊ था और हमारे 4 जन के हिसाब से सही था। तो अभी बस यहाँ से निकल रहा हूँ और आपको मिलता हूँ सीधा हाईवे पे टुवर्ड्स सोनमार्ग के लिए। तो वैसे तो हमें सुबह निकलना था 8 बजे, लेकिन निकलते निकलते 10 बज ही जाता है। अभी हमारा क्या हो रहा है ना, 2-3 दिन से हम लोग रात को लेट तक राइड करते हैं और सुबह मस्त से 9:30-10 बजे निकल जाते हैं। मतलब ब्रेकफास्ट अपने रूम पे ही करते हैं। मैगी का पैकेट तो हम लोग लेके ही आए, बनाते खाते और चलते हैं। और ये देखो पहाड़ और ठंडी ठंडी हवा, मज़ा आ रहा है। अभी शायद से कुछ किलोमीटर तक ये ऐसे ही रोड रहेगा क्योंकि बहुत सारे ना कई सारे जगहों पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो ट्रैफिक तो आज लगेगी। तो अभी ना तो सीन कुछ ऐसा है, कुछ किलोमीटर चले कि नहीं चले कि ऐसे खूबसूरत नज़ारे तो आते ही रहते हैं। तो अभी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं रिकॉर्ड क्या करूँ और क्या ना रिकॉर्ड करूँ। तो देख रहा हूँ जितना भी हो रहा है, मैं भी रिकॉर्ड करते चल रहा हूँ, फिर दे एडिटिंग का टाइम देख लेंगे। और बाकी है बहुत खूबसूरत, ये देखो। तो ये देखो, यहाँ से हम पहाड़ क्लाइम करना चालू कर दिए हैं। गजब, मतलब इससे भी और अच्छे व्यूज़ आगे आएंगे, लेकिन ये व्यू भी अपने को अच्छा ही है क्योंकि पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओहो, व्हाट अ व्यू मैन, ये देखो ज़बरदस्त। अगर अपने नसीब में रहा ना तो अपने को आइस भी मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक आज का तारीख है 24 में, तो मई के लास्ट वीक तक शायद बर्फ़ रहता है ऐसा मैंने सुना था। अभी देखते हैं, अगर अपने नसीब में रहा तो हम बर्फ़ में भी बाइक चलाएंगे। ज़बरदस्त। तो भाई ये सामने देखो कैसे झिकझैक में रोड है। अभी हमें भी वो पहाड़ क्लाइम करने का है और कितना खूबसूरत दिख रहा है यार, ज़बरदस्त। मैं कैमरा बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतने सीनिक व्यूज आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखो। तो चलो, पर एक बात बताना चाहता हूँ, ये देखो ये ऐसा टर्न है ना यहाँ पे, ये टर्निंग पे ही बराबर गड्ढे, और आप कितना भी कोशिश करो कि वो गड्ढा मिस हो जाए, आपका पीछे वाला टायर ना उसमें जाना ही जाना है, और इसका गंदा वाला पटकता है ना फिर वो, कि पूछो मत। हो, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ। देखो, कल रात को हम लोग 11:30-12 बजे जम्मू कश्मीर एंटर कर लिए, पर हमने जैसे ही जम्मू और कश्मीर में एंटर कर लिया ना, हमारे दोनों सिम कार्ड का नेटवर्क चला गया। तो अभी हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए कोई भी ऐसा सिम कार्ड या फ़ोन भी है नहीं,
पर इस जगह पे अगर आप आ रहे हो तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत आएगी नेट की, क्योंकि आप बिना नेट मैप के यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते। और कितनी बार आप किसी किसी को पूछोगे, तो देखो मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो तो पहले से ही आप कहाँ कहाँ जाने वाले हो वो सारी जगह शॉर्ट लिस्टेड कर लो, और वो हिसाब से ना ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लो, क्योंकि वो चीज़ बहुत काम में आता है। देखो अभी अपना जयेश भाई आगे चल रहा है, उसने ऑफलाइन मैप डाउनलोड किया हुआ है जहाँ जहाँ हम लोग जाने वाले, तो अभी हमारे पास नेट नहीं है फिर भी हम लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो बस ये एक एडवाइस आपको देना चाहता था, अगर पसंद आया तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। और जो क्लाइम है ना यहाँ पे ज़बरदस्त, तो जैसे हम लोग वैली के टॉप के ऊपर आ गए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ब्रेक लिया गया, क्योंकि ये नज़ारे टॉप से भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपने दो भाई ले रहे ड्रोन शॉट, तो ड्रोन शॉट के मज़े वो ले रहे, अगर अपने को मिला तो हम लोग भी अपने ब्लॉग पे दिखाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जो फील आ रहा है ना वो एक्सट्रीम लेवल है, और बाकी के नज़ारे तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, लाजवाब है। तो जो सपना देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट, मतलब एक एक्साइटमेंट लेवल ना बढ़ सी गई है। तो भाइयों वैली का व्यू देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो शुरुआत है, आगे और खतरनाक खाई आने वाली है। और रोड की कंडीशन तो अभी यहाँ पे ऐसे ही मिलेगी, इससे ज़्यादा आप उम्मीद रखो ही मत, क्योंकि ये पहाड़ों वाला रोड है और पहाड़ों वाले रोड ऐसे ही होते। ये देखो ये क्या है, ये है पहाड़ों वाली बकरी। अरे बाल देखो कितने उस पे,